गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सिस और प्लेन, अक्ष और तल। तो आज का टॉपिक है एक्सिस और प्लेन, मतलब अक्ष और तल। आपने लीवर में मैंने पढ़ाया था कि अक्ष क्या है, मतलब एक्सिस क्या है। वह रेखा जिसके चारों ओर गति होती है, अक्ष क्या है जिसके चारों गति होती है। तो मैंने बताया था कि मानव शरीर में जितने भी ज्वाइंट हैं वो क्या करते हैं, एक्सिस काम करते हैं। मानव शरीर में जितने भी जोड़ हैं वो एज ए एक्सिस पर काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन की। ठीक है, तल वह सतह है जो अक्ष के लंबवत होती है, मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, आपका 90° कोण बनता है। जैसे मान लीजिए आपका एक्सिस है, ये इसके आप क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर पर आपका पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, वो अक्ष के लंबवत रहेंगे आपके प्लेन का। अगर अक्ष जैसे अक्ष है, अक्ष की जो लंबवत पड़े हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाता है। प्लेन शरीर को दो भागों में बांटता है। अब वो भाग क्या होंगे, अब आगे देखिए आप। तो बॉडी में हमारे तीन तल होते हैं और तीन एक्सेस होते हैं। कितने तल होते हैं, तीन तल होते हैं और तीन एक्सेस होते हैं। पहला हमारा जो एक्सेस है, प्लेन है, वो सेजिटल प्लेन और फेंटल एक्सेस। तीन तल होते हैं और तीन एक्सेस होते हैं। ठीक है, पहला हमारा है सेजिटल प्लेन और फेंटल एक्सेस। सेजिटल प्लेन होगा तो फेंटल एक्सेस होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी सेजिटल प्लेन आपको सेजिटल प्लेन पूछा गया तो एक्सेस क्या होगी, फेंटल होगी। जो ये नॉमिनेशन हुए हैं ये बॉडी में स्ट्रक्चर बेस पे हुए हैं। जो हमारा स्कल का वह स्ट्रक्चर है, खोपड़ी का स्ट्रक्चर है, उसमें आपका सेजिटल पॉइंट है, सेजिटल स्ट्रक्चर है कि फाइबर से जुड़े हुए हैं। इस तरह हमारा फेंटल बोन है, उस टाइप से हमारा नामीकरण हुआ है, स्कल के बेस पे इसका नाम दिया गया है। तो सेजिटल प्लेन होगा तो उसमें फेंटल एक्सेस होगी, सेजिटल प्लेन होगा फेंटल एक्सेस होगी। अब इस प्लेन में शरीर का डिवीजन कैसे होता है, एक काल्पनिक धातु विचार रहते हैं, एक काल्पनिक रूप से धातु विचार लेंगे और शरीर को दो हिस्सों बांटेंगे, राइट और लेफ्ट। सेजिटल प्लेन में शरीर को काल्पनिक धातु की चादर से दो हिस्सों में बांटते हैं, कैसे में, दाएं और बाएं हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब सेजिटल प्लेन होगा तो फेंटल एक्सेस होगी, और सेजिटल प्लेन को हम लेटरल प्लेन भी कहते हैं। सेजिटल प्लेन को हम लेटरल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें शरीर का दो भागों में विभाजन होता है, दाएं और बाएं। अब देखिए हम तनी हंजी बुलाएंगे और आपको डेमो करके दिखाएंगे। आइए देखिए जी, जैसे हम बात करते हैं सेजिटल प्लेन की, सेजिटल प्लेन होगा तो फेंटल एक्सेस होगी। सेजिटल मैंने बताया कि सेजिटल प्लेन में आपका जो शरीर का जो विभाजन होता है वो आपका दो हिस्सों में होता है, दाएं और बाएं। तो ये आपका यहाँ पर सेजिटल सूचर होता है, क्या होता है, सेजिटल सूचर होता है जो आपकी पेराइटल बोन को जोड़ता है, फाइबर को जोड़ता है, ये बीचों बीच होता है। आप देखेंगे कभी सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। ये हमारे काल्पनिक धातु की चादर है, इसको हम ऐसे रखते हैं तो शरीर के दो हिस्से बढ़ेंगे, दाएं और बाएं, इसलिए इसको लेटरल प्लेन भी कहते हैं। जब हम इस प्लेन को रखेंगे तो जब शरीर क्या बढ़ जाएगा, एक दाएं हिस्सा हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ठीक है, आपका दाएं इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट उधर होगा, दाएं बाएं में शरीर के विभाजन होगा। अब सेजिटल प्लेन में मैंने कहा फेंटल एक्सेस होगा, तो फेंटल ये बोन है, कौन जो माथे में ये कौन सी हड्डी है, इसे हम फेंटल बोन बोलते हैं, कौन से बोलते हैं, फेंटल बोन बोलते हैं। तो फेंटल एक्सेस होगा, फेंटल मैंने कहा कि सेजिटल प्लेन होगा तो फेंटल एक्सेस होगा। अब देखिए ये आपका चादर है और ये आपकी एक्सेस है, मैंने कहा था कि लंबवत होते हैं तो सारे जो मूवमेंट होगा वो ज्वाइंट पे होता है। मैंने कहा ये फेंटल एक्सेस है और ये हमारा सेजिटल प्लेन है, तो इसको हम ज्वाइंट पे चलते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम आपका शोल्डर ज्वाइंट पे लाते हैं, किस पे लाते हैं, शोल्डर ज्वाइंट पर इसको रखते हैं। इस शोल्डर ज्वाइंट पर हमने फिक्स किया, प्लेन हमारा ऐसे रहेगा बीचों बीच। अब शोल्डर ज्वाइंट पे हम इसको रखेंगे तो मूवमेंट क्या क्या होंगे इसमें, अब मूवमेंट क्या होगा, स्विंग होगा, क्योंकि इस तरह तो होगा नहीं, क्योंकि आपका कील फिक्स है,
तो आपको क्या होगा, इस तरह मूवमेंट होंगे आगे पीछे, मूवमेंट क्या होंगे आगे पीछे होंगे, कहाँ पर शोल्डर मूवमेंट में मूवमेंट क्या होंगे आगे पीछे मूवमेंट होंगे। अब हम दूसरी ज्वाइंट पे लेते हैं एल्बो पे, एल्बो पे फिक्स करते हैं इसको, एल्बो पे फिक्स करेंगे तो क्या होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट हो, क्या होंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होंगे। सेम हम नी ज्वाइंट पे करते हैं तो वहां भी क्या होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट होगा। तो कह सकते हैं कि सेजिटल ज्वाइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की गतियां होती हैं। थैंक यू दिनेश जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेजिटल प्लेन शरीर को दो हिस्सों में बांटता है, दाएं और बाएं, और इसमें जो मूवमेंट होंगे वो होंगे आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की गतियां होगी। इसमें जो मूवमेंट होगा जो गति होगी वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा। क्या हुआ फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नी, इस तरह आप गुजरते हैं। तो आपने देखा कि सेजिटल प्लेन और फ्रंट लेसेस। अब नेक्स्ट हमारा होगा आपका फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्सेस। बताया था कि प्लेन आपके तीन होते हैं और तीन एक्सेस होती है। तो पहला हमारा सेजिटल, दूसरा आपका है फ्रंटल प्लेन। क्या होगा फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्सेस, जहां भी फ्रंटल प्लेन होगा वहां सेजिटल एक्सेस होगी। तो आपका फ्रंटल प्लेन में बताया कि फ्रंटल हमारी बोन है, फ्रंटल बोन है, और फ्रंटल बोन को आप ऐसे रखेंगे और किसी भी धातु जैसे को हम फिर एक बार अपना तरीके को बुलाना चाहेंगे। अब देखिए बात करेंगे फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्सेस। अब फ्रंटल प्लेन ये आपका फ्रंटल बोन है, तो अब धातु की चादर को, काल्पनिक धातु की चादर को इस प्रकार लगाएंगे, इस प्रकार रखेंगे कि वो शरीर का डिवीजन, जो शरीर का जो विभाजन ऐसा होगा कि आगे पीछे होगा। अब धातु की चादर ऐसे लगेगी क्योंकि फ्रंटल बोन है ना, फ्रंटल बोन के पैरेलल ही जाएंगे आपके सिर पर रखेंगे और शरीर का डिवीजन करेंगे आगे और पीछे, इंटीरियर और पोस्टीरियर। शरीर का जो डिवीजन होगा इंटीरियर और पोस्टीरियर आगे और पीछे होगा। अब ये धातु की चादर ऐसे लगी हुई है, प्लेन हमारा है। अब इसमें जो एक्सेस होगी सेजिटल होगी, ये सेजिटल स्ट्रक्चर है हमारा ये। अब ये तो एक्सेस कैसे लगेगी हमारी, ऐसे लगेगी, ठीक है। अब देखिए हम इसको ज्वाइंट पर ले आते हैं, इस प्लेन को ऐसे लगाते हैं। अब ये ज्वाइंट है, अब ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट पर हमने फिक्स कर दिया इसको फुल लेंथ पे, तो आगे तो हाथ आएगा नहीं। अब हाथ कैसे जाएगा आपका, ये होगा एबडक्शन और एडक्शन गतियां होंगी। क्या होंगी, एडक्शन और एबडक्शन की गतियां होंगी, ठीक है। सेम आपका इस, अब इसमें याद रखना है कि आपका फ्रंटल प्लेन में सेजिटल एक्सेस होगा और इसमें मूवमेंट क्या होंगे, एडक्शन और एबडक्शन। थैंक यू दिनेश जी। अब इसमें देखिए थोड़ा समझिए, आपका जो मूवमेंट है मैंने बताया, इसमें जो मूवमेंट होगा आपका, इस पहले डिवीजन वही होगा आपका, होगा आगे पीछे होगा। फ्रंटल प्लेन में जो शरीर का जो बंटवारा होता है, विभाजन होता है, वो कहता हो कैसा होता है, आगे पीछे होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर होता है, और इसको हम लेटरल सॉरी इसको हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, फ्रंटल प्लेन को हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। फ्रंटल प्लेन को हम कोरोनल प्लेन ही बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि इसमें आगे पीछे विभाजन होगा और इसको हम कोरोनल प्लेन कहते हैं। इसमें मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट इसमें मूवमेंट होगा एबडक्शन और एडक्शन, हाथ का दूर की ओर जाना और हाथ का पास की ओर आना, ठीक है। अब तीसरा प्लेन हो जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल एक्सेस। हॉरिजेंटल प्लेन को आपका, हॉरिजेंटल प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन को
ट्रांसवर प्लेन भी कहते हैं, ये एलटी में एग्जाम में पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन नोन है ट्रांसवर प्लेन, इसे हम ट्रांसवर प्लेन के नाम जाते हैं। इसमें जो शरीर का जो विभाजन होता है, डिवीजन होगा, डिवीजन जो हमारा होगा इसका आपका होगा, आपका ऊपर और नीचे, क्या होगा ऊपर और नीचे होगा। इसमें जो शरीर के विभाजन होगा क्या होगा, ऊपर और नीचे, आप कमर से ऊपर और कमर से नीचे होगा। अब इसमें जो मूवमेंट होंगे वो मूवमेंट होंगे आपके, इसमें जो गति है मूवमेंट होगी आपकी, उसमें होगी क्या होगा इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेशन, क्या होंगे इनवर्ड और आउट रोटेशन। तो एक बार हम तनिषा जी को बुलाएंगे और फर्स्ट एग्जाम देंगे आपको। अब मैंने आपको बताया कि आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो वर्टिकल एक्सिस होगी, शरीर के विभाजन इस प्रकार होगा, इस प्रकार हम धातु की चादर को लगाएंगे कि शरीर के जो विभाजन ऊपर और नीचे हुए, तो ये कमर पर इनकी धातु की चादर लगाई जाएगी, तो शरीर के दो हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपरी हिस्सा एक निचला हिस्सा। अब इसमें जब ये धातु चादर शरीर को दो भागों में बांटी ऊपर नीचे, तो इसमें जो एक्सिस क्या होगी, मैंने बताया था कि आपका परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपकी एक्सिस ऐसे लग जाएगी, ठीक है, ऐसे लगेगी एक्सिस, ऐसे लगेगी आपकी। तो आपका अब ऐसे लगे तो आगे पीछे तो रोटेशन होगा नहीं, आगे पीछे रोटेशन तो होगा नहीं, अब रोटेशन क्या होगा इनवर्ड और आउटवर्ड। देखिए कैसे होता है, ये ऐसे घूमेगी और ऐसे घूमेगी, पर अंदर की ओर बाहर की ओर में रोटेशन, जब चादर की धातु ऐसे लग जाएगी इनके ऊपर, तो चादर कैसे घूमेगी, आपकी जो चादर होगी वो आपकी ऐसे घूमेगी, ऐसे और देन ऐसे, इसे बोलेंगे इनवर्ड और आउटवर्ड, इसमें आपके रोटेशन ये हो जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग के लिए। तो आप जानेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, और डिवीजन होगा ऊपर और नीचे, मूवमेंट होगा इनवर्ड और आउटवर्ड। थैंक यू सो मच।